कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का विषय संस्कृत का पेपर, जो कि आपका 21 सितंबर को होना है। त्रैमासिक परीक्षा का रियल पेपर है दोस्तों, आपका यही पेपर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। उचित विकल्प चितवा लिखा, इसमें आपको 6 विकल्प दिए गए हैं। बालिका पदी विभक्ति अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका 100% रियल पेपर है दोस्तों, रट लीजिए तृतीय। अब चलते हैं नेक्स्ट। बालका शब्दस्तपष्टि विभक्ति एक वचन रूप भविष्यति, आ बालकस, बा बालकेन, सा बालकम, यदा बालकी। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट, नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति, पहला है प्रथमा, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है पष्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पष्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट। कस्मान पदे विभक्ति अस्ति, द द्वितीय, ब चतुर्थ, सा पंचमी, यदा सप्तमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, सा पंचमी। अब चलते हैं नेक्स्ट। सरत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, आक्वत, वा कत्वा, साल्यप, यदा त्वा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अधोलिखित, ये अब प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये है आपका, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधोलिखित तेसु अभ्यम न अस्ति, आ अत्र, वा एव, सा अधुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर वाले का कितवा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अधे लिखितेषु अव्यदम न अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अ अत्र, ब एव, सा अधुना, यदा मंडलम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, मंडलम। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक दो की तरफ। चित्वा रिक्त स्थान पूरियत करत, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, प्रत्येक पर एक एक आंसर, क्वेश्चन पर एक एक आंसर आपको मिलेगा। तो ये पहले का जो आपका राइट आंसर है दुविधि दुधि वचन, तो आप इसको कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन है। सेकंड, इसका बदामी इत्मिन पदे धातु अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद। नेक्स्ट, लट लकारस उदाहरणम खालिस्ताम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पठस्यति या पठती। तो इन दो में से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पठती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसका जो अधिकार में उपसर्ग है वो है आपका इसमें अधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधि। नेक्स्ट, पराजय पदे उपसर्ग अस्ति, तो पराजय में पद में जो उपसर्ग है वो है आपका पर, तो इसका राइट हो जाएगा पर। नेक्स्ट, आश्रम पदे पर्याय अस्ति, तो इसका हो जाएगा रसालम या कदली फलम, तो इसका राइट आंसर है रसालम। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक तीन, शुद्ध वाक्य का नाम साक्षम आम, अशुद्ध वाक्य का नाम नाम, तो पहले का इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये भी आपका एक एक नंबर का है, और प्रत्येक प्रश्न पर आपको एक एक नंबर मिलेंगे, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। पहला का हो जाएगा ना, दूसरा है श्वेत अश्वधावती इसमें वाक्य श्वेत विशेषणम अस्ति, तो ये है आपका दूसरा, दूसरे का आम, दूसरा सही हो जाएगा आपका। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। वन पदस पर्याय पदम काननम अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका ना, इसका सही नहीं है। नेक्स्ट, दूषितम पदस विलोम पदम शुद्धम अस्ति, तो ये हो जाएगा आपका आम, ये सही है। नेक्स्ट, बुद्धिमान पदस विलोम पदम विद्वानम अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा, तो आप इसको देख लीजिए, बुद्धिमान पदस विलोम पदम विद्वान अस्ति, तो ये आपका पांचवा है दोस्तों। प्रत्येक पर एक एक अंक मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत का पेपर है, 21 सितंबर को यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ये ना। नेक्स्ट, विद्यालय इतमिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो इसका हो जाएगा राइट आ आम। नेक्स्ट, एक पदेन उत्तरण लिखत केसा माला रमणीयम कतवा प्रत्यय एकदम उदाहरणम लिखत, इसके आपको दो दो नंबर की ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई 5 करनी है। अब चलते हैं 5 की तरफ। उचित युग्मलयन करित, इसमें आपको सही जोड़ी बनानी है दोस्तों, ये आपको 6 सही जोड़ी दी गई है, इनको आपको बनाना है। ये पहले की आपकी जो सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी दूसरी, इसको देख लें आप, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनानी है। इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 21 सितंबर को, 100% रियल पेपर है संस्कृत का कक्षा 10वीं का, यही पेपर जब आप जाओगे देने तो यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी रट लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह चंद्रशेखर का हो जाएगा बहुब्री, और ये कुछ इस प्रकार से आपकी जोड़ी है, इसको रट लें। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9 ये हैं आपके पूरे प्रश्न, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। 17, 18 ये हैं आपके क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छी तरीके से रट लें दोस्तों, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा 100%। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और क्योंकि बाकी के जो आपके पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप अच्छे तरीके से रट लें। ये उनके आंसर हैं, इसको देख लें, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस प्रकार से इसको देख लें। ये है कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।